الله الرحمن الرحيم ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم حاضرين جمع بزرگو अजीज दीनी भाइयों प्यारे बच्चों सबसे पहले अल्लाह की तारीफ हो जो हर किस्म की तारीफात के लायक है अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम का तोहफा हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ज़ाते मुकद्दसा मुबारका मुतहरा मुस्तफ़ा मुश्तबा की जिनके ज़रिए से इस्लाम जैसी अजीम नेमत हम तक पहुँची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरतुद्दहर से एक आयत पढ़ी है इस आयत के अंदर रब्बे ज़ुलजलाल ने ये बात कही है कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा हमने इंसान को पैदा किया है दुनिया के अंदर भेजा है और फिर उसके बाद सही और गलत दोनों रास्ते हमने बतला दिए हिदायत वाला रास्ता इम्मा हदैनाहु सबीला जो हिदायत वाला रास्ता है वो भी बता दिया है और जो कुफ्र वाला रास्ता है वो भी बता दिया अब इंसान के ऊपर छोड़ दिया है कि इंसान किस चीज को पसंद करता है सेलेक्ट करता है अगर वो हिदायत वाले रास्ते को अपनाता है तो हिदायत का रास्ता आगे जाकर जन्नत में दाखिल होता है और अगर बुरा रास्ता अख्तियार करता है तो आगे जाकर के यह रास्ता जहन्नम में दाखिल होता है। ये इस आयत का मतलब है जो मैंने पढ़ी और इसीलिए आज जो मेरा मौजू है वो है हम मुसलमान हैं जनाब ये आज का मेरा मौजू है। अब हम मुसलमान हैं जनाब ये जवाब है किसी सवाल का
या फिर बजात खुद सवाल है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग मेरी बात आज सुनने के बाद खुद डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि क्या हम वाकई में मुसलमान हैं जनाब या हम मुसलमान हैं जनाब। ये सवालिया जुमला है या जवाबिया जुमला, ये हमें आज डिसाइड करना है, फैसला करना है। और इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि देखो अल्लाह तबारक को तआला ने हिदायत का रास्ता हमें बताया, बुरा रास्ता भी बता दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी की है, एहसान हम पर किया है कि हमें मुसलमान बनाया, हमें मुसलमान बनाया, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज्यादा काम खुद ही कर दिया, बाकी खुद हमें संभाल लेना, हमें मुसलमान बना दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन। मुसलमान कहते किसको हैं, सबसे पहले यह जान लीजिए। असल में मुसलमान कहते हैं कि जो अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दे उसको मुसलमान कहते हैं। इस्लाम की हर बात को तस्लीम करने वाला, इस्लाम की हर बात को मानने वाला मुसलमान, सीधा साधा मतलब। इसीलिए जब हम लुगत वगैरह के अंदर डिक्शनरी में उठा करके देखते हैं कि मुस्लिम का माना क्या होता है, तो वहां आपको मिलेगा पुरानी लुगत वगैरह में कि मुस्लिम उस ऊंट को कहते हैं कि जिसके नाक में नकील पड़ी हुई, यानी वर्ड के लिहाज से, लफ्ज के लिहाज से मुस्लिम उस ऊंट को कहते हैं जिसके नाक में नकेल पड़ी हुई है। नकेल का मतलब वो रस्सी जो डाली हुई रहती है, हम जानवरों को बैलों के भी उसमें देखते हैं, अगर बैल कुछ सरकशी करता है तो किसान जो खींच लेता है जोर से, बैल रुक जाता है क्योंकि उसको तकलीफ होने लगती है, इधर उधर नहीं जा सकता। ऐसे ही जब ऊंट के अंदर नकेल पड़ी होती है तो उससे इशारा मालिक करता है कि हाँ इधर मुड़ जाओ, राइट साइड में, लेफ्ट में मुड़ना है तो लेफ्ट वाली रस्सी खींच लेता है, इधर मुड़ जाओ, यानी पूरी कंट्रोलिंग उस रस्सी के जरिए, उस नकेल के जरिए से होती है मालिक के हाथ में, सवार के हाथ में। तो मुस्लिम इस मफहूम में देखिए, मुस्लिम उस शख्स को कहते हैं कि जिसके नाक में कह लीजिए या जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नकेल पड़ी हुई हो, वो अपनी मर्जी से एक मुस्लिम कोई काम नहीं कर सकता, उसको वही करना है अल्लाह और उसके रसूल जिस काम के करने का हुक्म दे। ऐसा नहीं कि उसके दिल में जो भी आए मुस्लिम कर गुजरे, नहीं, वही कर सकता है हकीकी मुस्लिम कि जो अल्लाह उसके रसूल ने करने के लिए कहा है। सहाबे किराम जो है वो ऐसे ही मुसलमान थे, ऐसे ही मुसलमान, वो समझते थे कि मुसलमान का मतलब क्या है। एक सहाबी हैं मरसद बिन अबी मरसद, ये जब इस्लाम कबूल किए तो बड़े गुनहगार थे, इस्लाम कबूल करने से पहले डाके डालना, चोरी करना, बहुत माहिर थे, दीवार फलानना, छत पे चढ़ जाना, मुश्किल से मुश्किल चीज को यूं आसान कर देना, ऐसे चोर थे, माहिर चोर, माहिर डाका डालने वाले। अल्लाह ताला ने जब हिदायत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सारे गुनाह माफ, आप सल्लम ने कहा कि हाँ इस्लाम लाने से, इस्लाम से पहले के जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला माफ फरमा देता, तुम्हारे पहले गुनाह माफ हो गए। कहा कि अब मुझे कुछ बताइए क्या करूं मैं, तो कहा पहले क्या करते थे, तो बताया पहले तो डाके डालता था, चोरियां करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है तो ऐसा ही काम करके आओ। कहा फिर दोबारा वही काम? कहा नहीं नहीं, वहां मक्का के अंदर इस्लाम लाने की वजह से वहां के मुशरिकीन हमारे बहुत सारे साथियों को कैद करके रखे हुए हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं, और तुम तो माहिर हो दीवार फलांगने में, छत पे चढ़ने में, जंजीरें तोड़ने में, सब माहिर हो, जाओ उनको छुड़ा के लेकर आओ, जाओ छुड़ा के लेकर आओ। ये गए मक्का के अंदर, मक्का के अंदर तो बहुत जाते रहते थे, वही उनकी फेवरेट जगह थी, वही रहते बसते थे। गए इस्लाम लाने से पहले एक औरत से इनके ताल्लुकात थे, चांदनी रात थी, मरसद जब वहां पर पहुंचे उस औरत ने दूर से ही पहचान लिया कि ये लंबा चौड़ा नौजवान मरसद ही है, भाग करके आई, कहां मरसद अभी तक कहां थे, कितनी रातों से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं, कितने दिनों से तलाश कर रही हूं, कहां थे तुम आखिर इतने दिनों से, चलो आओ हमारे साथ चलो। मरसद ने कहा कि नहीं बीबी जी, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा,
ये इस्लाम का असर होता है। कहा बीबी जी अब मैं नहीं जा सकता, क्यों, क्या हो गया इतने दिनों में? कहा देखो पहले की बात और थी, अब मैं मुसलमान हो गया, मेरे इन हाथों ने इस्लाम का दामन थाम लिया है, मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब ये हाथ, अब ये पैर, अब ये आंखें गुनाह की तरफ नहीं जा सकती हैं, मैं मुसलमान हो गया हूं। उस औरत ने धमकी दी, अच्छा बदल गए हो, मैं जानती हूं तुम यहां पर क्यों आए, तुम लोगों को छुड़ाने आए हो ना, तुम तो माहिर हो तमाम कामों में, इसीलिए आए होगे तुम, अगर मेरी बात नहीं माने तो मैं शोर कर दूंगी, चीख दूंगी और पकड़े जाओगे। कहा कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं कर सकता। उस औरत ने शोर कर दिया, मुशरिकीन इधर उधर इनको ढूंढने लगे, ये छुप गए, छुपे रहे, और फिर उसके बाद आखिरकार वक्त मिलने पर, मोहलत मिलने पर ये साथियों को छुड़ा कर लेकर गया। इस वाकये से मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि वो छुड़ा कर लेकर आए, कैसे लेकर आए, ये बताना चाहता हूं कि मुसलमान होने का मतलब साहबे किराम अच्छी तरह समझते थे कि मुसलमान किसको कहते हैं, और यही मतलब आज हमको समझना कि मुसलमान किसको कहते हैं। आज हम मुसलमान हैं, बेशक मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं जनाब, ये अपने आप से कहिए जरा। इस्लाम की बातें सामने रखिए, अल्लाह का कानून सामने रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सामने रखिए, और फिर कहिए हम मुसलमान हैं जनाब। सच्चे दिल से कहिए अपने आप से कि हम मुसलमान हैं जनाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिमीन अफजल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बताइए कौन सा मुसलमान अफजल है, मुसलमान कौन बेहतरीन है, कौन बेहतरीन मुसलमान है, मुसलमान तो बहुत सारे हैं लेकिन बेहतरीन मुसलमान कौन है आप बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमान इसको कहते हैं, इसको 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 ये क्वालिटी पाई जाए, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधा सादा जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसके हाथों से जिसके जबान से मुसलमान महफूज रहें, लोग महफूज रहें, लोग अमन में रहें, वो मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है। क्या वाकई में हमारे हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही है? क्या हम जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे? हाँ, क्या हम वाकई में ऐसे ही मुसलमान हैं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? क्या आज हम लोगों को सताते नहीं हैं? क्या आज हमारा पड़ोसी हमसे परेशान नहीं है? क्या आज कारोबारी पड़ोसी परेशान नहीं है? क्या हम आज अपने पड़ोसी को देख करके जलते भूनते नहीं है? क्या एक दूसरे के खिलाफ दिलों के अंदर कीना बुग्ज़ हसद नफरत नहीं है? क्या आज हम लोगों की दूसरों की तरक्की देख करके जलते नहीं है कि वो क्यों तरक्की कर रहा है? क्या आज अगर हमारे पड़ोसी का घर बन रहा है, कुछ तरक्की हो रही है, तो क्या हमको तकलीफ नहीं हो रही है? कोई अगर अच्छा कर ले तो हमको नाखुशी, कोई किसी के साथ बुरा हो जाए तो हम खुश, क्या ऐसा आज नहीं? फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है जनाब, तब भी हम मुसलमान ही है ना, ये तमाम काम हमसे होते हैं फिर भी हम मुसलमान हैं। आज हम हालात पर परेशान हैं, बड़े शिकवे शिकायत की बातें करते हैं, कहते हैं कि इतने जालिम लोग मुसलमानों पर मुसल्लत हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर, वो मुसलमान जो अल्लाह के मानने वाले हैं, वो मुसलमान जो अल्लाह की तौहीद के मानने वाले हैं, आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह जालिमों को मोहलत क्यों दे रहा है? जालिमों का हाथ अल्लाह क्यों नहीं पकड़ता? जालिमों को अल्लाह सजा क्यों नहीं देता? आज हम ये शिकवे शिकायत की बातें करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो छोड़ो, जो जालिम है वो तो अल्लाह के मुनकर, जो जालिम है वो तो अल्लाह के इनकारी है, जो जालिम है वो तो अल्लाह के मानने वाले नहीं है, लेकिन हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं ना, हम तो अल्लाह को मानते हैं ना, अल्लाह को तस्लीम करते हैं ना, अल्लाह के बंदे अपने आप को मानते हैं ना, तो बताओ हम, मैं नहीं कहूंगा या तू लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करोगा या तुम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं हम लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, हम, तो बताओ कि हम कितने फरमाबरदार हैं अपने रब के? अपने अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में नहीं, उन्हों ऐसा कर रहा है, उन्हों ऐसा, नहीं नहीं अपने बारे में सिर्फ सोचो, सब शख्स अपने बारे में सोचे, हम कितने फरमाबरदार हैं, हम कितने अपने रब के मानने वाले हैं? अगर हम वाकई में फरमाबरदार हैं तो मुझे बताओ कि हम आपस में लड़ते क्यों हैं?
दूसरे को क्यों लगवाते, हमारा पड़ोसी इतने परेशान क्यों है, अगर वाकई में हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, अगर वाकई में हम इस्लाम के अल्लाह के फरमाबरदार हैं तो निकाह इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है, गरीब आदमी इतना परेशान क्यों है, लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं, कुरान ताकों में क्यों सजे हुए हैं, उन्हें पढ़ा क्यों नहीं जाता है, बच्चे बर्बाद क्यों हो रहे हैं, खानदान क्यों टूट रहे हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, तलाक बार बार क्यों हो रही है, खुला के वाकया सुनने को क्यों मिल रहे हैं, जबान पर झूठ क्यों सजे हुए हैं, कारोबारी जो लोग हैं वो जो है गलत कामों में, सूद में, गलत चीजों में मुलव्वस क्यों है, अगर वाकई में हम फरमाबरदार हैं तो ये सारी चीजें क्यों पाई जा रही हैं, वाकई में मुसलमान हैं, वाकई में फरमाबरदार हैं हम, तो अल्लाह के मानने वाले, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अल्लाह को सिरे से मानते ही नहीं, अल्लाह के मुनकर है, उनको साइड में रखो, हम तो मानने वाले हैं ना, तो बताओ कितने फरमाबरदार हैं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के, कितने, आज मस्जिदें सजदों से खाली क्यों हैं, क्यों है सजदों से खाली, मैं कल ही रात की बात है एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, एक इमाम साहब ने एक वीडियो डाली फजर की नमाज की, कुछ मिनट सिर्फ फजर की नमाज में बाकी है और वो बता रहे हैं कि देखो सिर्फ मेरी एक ही चप्पल वहां रखी हुई है, कोई मुसल्ली नहीं, जबकि मस्जिद मुसलमानों के महल में, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, कोई मुसल्ली नहीं है फजर की नमाज में, पूरी मस्जिद खाली, ऐसी मस्जिदों क्या लग? फजर में आप चले जाओ बस्ती के अंदर वाकई में मुसलमान है कि नहीं आपको पता चल जाएगा, फजर की नमाज में मस्जिदों में जाकर के देखो, हम कैसे मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान हैं वाकई में, एक सवालिया निशान आज बन गया है सवाल कि आज हम मुसलमान हैं क्या जनाब, मुसलमान हैं हम क्या, जब मुकम्मल लॉकडाउन था लोगों से कहा जा रहा था कि घरों पर नमाज पढ़ लो, हालात जरा अलग, ठीक है उलमा के फतावे थे वो अलग बात थी, वो सही गलत वो एक अलग बहस है, उसमें लोग क्योंकि कारोबार बंद थे घर पर फ्री बैठे हुए थे, उछल उछल कर आ रहे थे मस्जिदों में, गेट के पास लड़ाइयां चल रहे थे, नहीं हम नमाज पढ़ेंगे, ऐसा कैसा हम नमाज ना पढ़े, अब कारोबार खुल गए अब आओ नमाज पढ़ने के लिए, अब वो मुसलमानों वाला जोश कहां है, लॉकडाउन में जब कहा जा रहा था घर पर नमाज पढ़ लो तब उछल उछल करके, नहीं वो जुम्मा की नमाज से आधा घंटा पहले ही आकर के, नहीं हम मस्जिद के अंदर ही पढ़ेंगे, तब मुसलमानियत पूरी जोश में हमारी आ रही थी, अब मुसलमान कहां है, अब कारोबार खुल गए ना, अब कारोबार ज्यादा अजीज है, हम ऐसे मुसलमान, अब कारोबार ज्यादा प्यारा है, उस वक्त फ्री थे कुछ काम नहीं था, घर पर बैठे बैठे बोर होते थे, कम से कम नमाज के बहाने बाहर निकल जाए इसलिए निकलते थे, हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी, हमें रसूल से मोहब्बत नहीं थी, हमें नमाज से मोहब्बत नहीं थी, हमें कुरान से मोहब्बत नहीं थी, रब्बे काबा की कसम सिर्फ दिल बहलाने के लिए निकल रहे थे, अगर कुरान से मोहब्बत होती, रब से लगाव होता, नमाज से मोहब्बत होती तो जो लगाव उस वक्त दिख रहा था वो आज भी नजर आना चाहिए था, आज भी मस्जिद भरी हो जाए होनी चाहिए थी, आज भी सजदे होने चाहिए थे, आज भी वही जोश दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम तो मुसलमान ऐसे हैं कि जब हमारा रब कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हालांकि मौजिन कहता है लेकिन अल्लाह की तरफ से आवाज लगाता, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, हमें समझ में नहीं आई ये बात, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी भी ध्यान नहीं दिया, हम तो लेटे रहे सोते रहे मजे करते रहे, हमारी सुबह 8 बजे 9 बजे होती रही, लेकिन जब हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत ने कहा कि सुबह 6 बजे उठ जाना है कारोबार के लिए, क्योंकि सिर्फ टाइम 10 बजे तक है, 10 बजे के बाद पुलिस की लाठी चलेगी, कारोबार बंद कर दिए जाएंगे, सुबह 6 बजे दुकान खोलो, 10 बजे बिल्कुल बंद, हम फौरन उठ गए, हाँ 6 बजे से पहले रेडी हो गए, तो फौरन तैयार हो गए हम ऐसे मुसलमान, हाँ हमारा ईमान ऐसा है, फिर शिकवे क्यों करते हैं, फिर शिकायत क्यों करते हो कि जालिमों को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया है, जालिमों को अल्लाह सजा क्यों नहीं दे रहा है, पहले देखो तो सही कि हम मुसलमान हैं जनाब, कैसे मुसलमान, नाम तुमने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान, बस यही है, तो हम ऐसे मुसलमान हैं जनाब, ऐसे मुसलमान हैं, और हुकूमतें किसी के वास्ते कुछ नहीं किया करती हैं, जो कुछ करना होता है कौम को करना होता है, खुद करना होता है, मैं एक मिसाल दूं आप लोगों को, जब
1984 में, तकरीबन 1984 की बात है शायद, जब सिखों पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फसादात हुए थे और बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई थी, उनका बड़ा नुकसान हुआ था वगैरह वगैरह, उसके बाद सिखों ने वाहवीला चीफ पुकारा ज़्यादा नहीं किया, उन लोगों ने तालीम पर तवज्जो दी, तालीम पर ध्यान दिया, है ना। और आज हालत उनकी ये है कि कानून के शोबे में उनके लोग मौजूद हैं, हर शोबे में उनके लोग कानूनी तौर पर मौजूद हैं, कानून लिखने वालों में उनके लोग मौजूद हैं, हर जगह फौज में उनके लोग मौजूद हैं, कानून वाली जगहों पर उनके लोग मौजूद हैं, है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि एक दफा, हम लोग हमेशा सताए जाते हैं, हर दो साल तीन साल पर हादसात होते रहते हैं और छोटे मोटे वाकया तो हर महीने हर हफ्ते होते रहते हैं, मगर हमने कभी इबरत के नाखून नहीं लिए, कभी हमने नसीहत हासिल नहीं की, हम लोग बिल्कुल लगे रहे। हमारे जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं बनवाए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज नहीं बनवाए, है ना, बड़े अच्छे बच्चों को आला डिग्रियां नहीं दिलाई, बल्कि क्या किया, बड़े बड़े शादी खाने खुलवाए, है ना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनवाए, क्यों, इससे पैसा आता है। जो कौम के बारे में सोचते हैं ना, कौम के बारे में सोचते हैं तब कौम आगे जाती है, जब सिर्फ सोचेंगे बड़े बड़े शादी खाने, क्योंकि मुसलमान आजकल शादी बड़े धूमधाम से करता है ना, फुल ज्यादा खर्चा करता है मुसलमान और फुल दबा करके खाते हैं। जो कौम सिर्फ खाने में लगी हुई होती है ना, दूसरी कौम उसको खा जाती है, उसको खा जाती है दूसरी कौम। आज हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा सरमाया इन्हीं चीजों में सर्फ हो रहा है। क्रिश्चियन को आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर कितनी तादाद में, ज्यादा है, लेकिन हमारे इंडिया में देखिए कितने हैं, मगर आप देखिए क्रिश्चियन के हर शहर के अंदर उनके हॉस्टल्स नजर आएंगे, उनके स्कूल नजर आएंगे, उनके कॉलेजेस नजर आएंगे। मुसलमानों के क्या है, मुसलमान सिर्फ खाने में लगे हुए, जो कौमें सिर्फ खाने में लगी होती है ना, दूसरी कौमें उनको खा जाती। हम ऐसे मुसलमान हैं मेरे भाई, आज हम मुआशरे पर रोते हैं, मुआशरे पर कहते हैं समाज बड़ा खराब हो गया। मेरे भाई, समाज बनता किससे, समाज लोगों से बनता है ना, समाज हमसे बनता है। और सबसे पहले देखो कि हम कैसे, हम अपने आप को देखो, समाज हमसे बनता है और हम कैसे हैं, हमारा अखलाक कैसा है, हमारे नौजवान कैसे हैं, हमारे घरों के अंदर पर्दा है कि नहीं है। आज हम बोलते हैं आज बच्चियां खराब हो रही हैं, समाज बड़ा खराब है, मगर हम ही अपने घरों की औरतों को अकेले, चार पांच औरतें जा रही हैं घरों की औरतें, कोई मर्द उनके साथ नहीं है शॉपिंग करने की, हमारी बच्चियां परफ्यूम्स लगाकर पढ़ने के लिए जा रही हैं, हमारी बच्चों के हाथों में बड़े बड़े मोबाइल हैं और टीवी के सामने दिन भर बैठी हुई रहती हैं। हम खुद करते हैं फिर उसके बाद रोते हैं समाज बड़ा खराब हो गया। लिमा तकुलूना माला तफलू, वो बातें कहते क्यों हो जो करते नहीं, सिर्फ गुफ्तार के गाजी बनने से कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ बातें बोलते करते सब वही है, सब वही काम करते हैं। हाँ, बोलते बहुत, जब बोलने की बात आती है तो बोलते हैं समाज बड़ा खराब हो गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। मेरे भाई, क्या हम अपने बच्चों को नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिस्मानी तौर पर फिट हो रहे हैं। जिस्मानी तौर पर फिट होना गलत बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर, अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना इन नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। और आज अक्सर नौजवान तो जाकर जिमों में मेहनत कर रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कि दीन का कुछ काम करेंगे, वो इसलिए नहीं कि लोगों का भला करेंगे, वो इसलिए नहीं कि कुछ अच्छा करेंगे, बल्कि वो सिर्फ अच्छा दिखेंगे और जहां वो जिसको दिखाना चाहते हैं, जिसको अपनी तरफ मायल करना चाहते हैं, बस उसके वास्ते मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं खुलकर कहूं, नहीं मुझे कहना चाहिए ये बातें, मैं खुलकर नहीं कह पाता, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, समझाने के लिए कहना पड़ता है कि बच्चियों को पटाने के लिए, उनको अपनी तरफ रागिब करने के लिए बॉडी बनाई जाती है। हाँ, अक्सर इल्ला माशाल्लाह कुछ नौजवान होंगे कि हाँ सेहतमंद होना चाहिए, बीमारियों से महफूज रहना चाहिए, उसके वास्ते वर्जिश करते, वरना अक्सर बच्चे इसलिए करते। और हम जानते हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से, हमारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर बाहर हम खड़े होकर के समाज बड़ा खराब हो गया, मुआशरा बड़ा खराब होता जा रहा है, ये मजाक है क्या। आप समाज की बात कर रहे हैं और अपने घर को भूल गए आप,
आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर के अंदर पर्दा नहीं है, आपके घर के अंदर पूरा दिन टीवी खुला रहता है। हाँ आंटी जी, आपकी बेटी क्या करती है कि सिर्फ जैसे अजान होने लगती है वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया, टीवी ऑफ कर दिए, बस ये मुसलमान है, उस वक्त बंद कर दिए, बाकी सब चलता रहता है। अब तो इस सिचुएशन में स्कूल बंद है, सारी चीजें बंद है, घर में बैठे बैठे करेंगे क्या, तो ये सीरियल वो सीरियल, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, दिन भर यही चलते रहते। हमारे घरों के अंदर माहौल ऐसा हो गया, ये फूफू के बेटे हैं इसलिए इनसे पर्दा नहीं, ये आंटी के बेटे हैं, ये खाला के बेटे हैं, ये फला ताया के बेटे हैं इसलिए इनसे पर्दा नहीं। ऐसा देखा जाए पूरी दुनिया आदम अली सलाम की औलाद है, फिर तो पर्दा ही खत्म। हम ऐसे मुसलमान हैं मेरे भाई, ऐसे मुसलमान हम कैसे मुसलमान हैं। मैं आपको मिसाल दूं, छोटी सी मिसाल, आप अक्सर मेरी जबान से सुने होंगे, आप सुनते भी रहते होंगे कि चिल चिल करके खतीब कहता है जुमा के दिन पहले आया करो भाई, जुमा के दिन पहले आओ, खतीब के मिंबर पर बैठने से पहले आओ मस्जिद के अंदर, इसलिए कि जब खतीब मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्तों की रजिस्टर में आपका नाम नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता आपका नाम, और पहले आप आएंगे तो आपको सवाब भी ज्यादा है और फरिश्तों की खास रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाता है कि आप फला साहब फला टाइम पर आए। जुमा के दिन पहले आओ, खुतबा गौर से सुनो क्योंकि खुतबा बहुत अहम होता है जुमा के दिन, उसके अंदर इधर उधर मत देखो। मगर हम कुछ लोग हमारे भाई हैं, बुरा मत मानिए, कुछ चीजें थोड़ी तलख होती, हमेशा मैं देखता हूं टेक लगाकर ही बैठते, अल्लाह रब्बुल आलमीन हालांकि कमर दी है लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं, टेक लगाकर ही बैठते। मैं बुरा मत मानिए, मैं बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं हकीकत आपको बताने के लिए, हम कैसे मुसलमान। खुतबा पूरा खत्म होने के बाद सिर्फ दो रकात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते, दो रकात नमाज पढ़ने के लिए, बस खुतबे की कोई अहमियत नहीं, कोई वक्त नहीं। हम ऐसे मुसलमान हैं, फिर हम बात करें हम मुसलमान हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, पहले मुसलमान बनकर तो दिखाओ। मुसलमान का मतलब होता है जो अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर देता है, मुसलमान होता है। कुरान मजीद के अंदर रब्बे जुलजलाल ने कहा इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इजा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि जब मोमिनों के सामने अल्लाह ताला की आयतों का तस्करा होता है, दीन का तस्करा होता है, उनके दिल जो है वो खौफ सदा हो जाते हैं, लरजा हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। कुरान मजीद कितना सुनते हैं, कितने तकरीरें, कितने वाज़ो नसीहत की बातें, एक कान से सुने एक कान से निकाल करके झाड़ कर निकल जाते। ऐसे मुसलमान हैं हम लोग। मेरे कहने का मतलब, जो मेरा मौजू था आज का, हम मुसलमान हैं जनाब, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद फैसला कीजिए, हम मुसलमान हैं जनाब, ये जवाब आपके लिए है या सवाल है कि क्या वाकई में हम मुसलमान हैं, क्या वाकई में मुसलमान हैं। देखो मेरे भाइयों, सीधी सीधी बात, जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कब जुमा आ रहा है, कब चला जा रहा है, फिर दूसरा जुमा आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। हफ्ते महीने साल इतनी तेजी से गुजर रहे हैं, इतनी तेजी से गुजर रहे हैं, कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी, कयामत कब आएगी अल्लाह को मालूम, लेकिन निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है, कम से कम अब तो संभल जाओ, अब तो डर जाओ, अब तो अल्लाह के अच्छे बंदे बन जाओ, अब तो हकीकी मानों में मुसलमान बन जाओ। जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, बर्फ की तरह। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया सुनाऊं आप लोगों को। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इन्नल इंसान लफी खुसर का मतलब मुझे जो है एक बाजार में समझ में आया। इन्नल इंसान लफी खुसर, सूरतुल असर की आयत, इन्नल इंसान लफी खुसर, अल्लाह ने कहा कि सारे इंसान नुकसान में, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक मार्केट में मैं गया तो वहां पर मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? मैंने देखा कि एक बर्फ बेचने वाला, बर्फ आइस, बर्फ बेच रहा है। और आप लोग जानते होंगे एक कपड़े का कारोबारी अगर है, ताजिर है, आज कपड़ा नहीं बिका कल बिक जाएगा, परसों बिक जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन बर्फ अगर आज नहीं बिकी तो वो घुल जाती है, खत्म हो जाती है, यानी जो उसके पास जमा है वो भी खत्म हो जाता है। तो वो बर्फ बेचने वाला पुकार रहा है लोगों मेरी तरफ ध्यान दो, मैं बर्फ लेकर बैठा हुआ हूं और मेरी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, कभी इसके कि मेरी बर्फ पिघल जाए तुम मेरे सौदे को खरीद लो ना मेरा नुकसान हो जाएगा। लोगों मेरी तरफ देखो, मैं बर्फ का कारोबारी हूं, बर्फ बेच रहा हूं, मेरी बर्फ पिघल रही है, जल्दी आकर बर्फ को खरीद लो, मुझे नुकसान से बचा लो। वो ऐसा पुकार कर रहा है, चीख रहा है।
اس دن امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں کیوں ہے, کیونکہ انسان کی زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے, ہماری زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں, آپ 30 سال کے ہو گئے, 40 سال کے, 50 سال کے, نہیں, ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, ہم مرنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہے ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. اور برف کے پگھلنے سے پہلے کوشش کر لو, تیاری کر لو اپنے موت کی, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لو, زندگی ایک مسلمان والی گزار لو, قرآن مجید کی تلاوت کر لو, رب کے حضور میں سجدے کر لو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کر لو, بہت ساری نیکیاں کر لو, عام اعمال میں اکٹھا کر لو, تاکہ آخرت والے دن تمہیں رسوا ہونا نہ پڑے, تمہیں شرمندہ ہونا نہ پڑے. زندگی ایک برف کی طرح ہے. اسی لیے میرے بھائیو میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ ہم اچھے مسلمان بنیں, اچھے مسلمان اپنے آپ سے پہلے شروعات کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اس لیے میں نے آج کا موضوع رکھا تھا ہم مسلمان ہیں جناب, میں نے یہ نہیں کہا یہ سوال ہے یا جواب, سوال جواب آپ کے اوپر ہے, میں نے بات بتا دی کہ ہم مسلمان ہیں جناب. آپ جواب بھی بنا سکتے ہو, اپنے آپ کو اچھا بنا لو, آپ کے لیے جواب ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں جناب. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان جیسا نہیں بناتے ہو تو پھر سوالیہ نشان ہے کہ آپ مسلمان ہیں جناب. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم مل جل کر کے رہیں, باری تعالیٰ قوم کی طرح رہیں, ایک دوسرے کی فکر کرنے والا بنائے, اچھے اعمال کرنے والا بنائے, صحابہ جیسا ایمان اختیار کرنے والا بنائے, شرک سے اور غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے, جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مصیبتیں پریشانیاں رنج و غم اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے, مل جل کر رہنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.